तो गाइज हम आ चुके हैं नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में आपको हम सिखाने जा रहे हैं गिटार वाली फोटो एडिटिंग कैसे आप कर सकते हो, वो भी बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले हैं। पहले तो आपको डंडे की मदद से ये वाला कोड देख के फोटो शूट कर लेना होगा। उसके बाद पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन करना है। यहाँ पिक्सआर्ट एप्लीकेशन हम ओपन कर लेते हैं। आने के बाद आपको एड फोटो, यहाँ से हम पहले बैकग्राउंड एक ले लेंगे। तो ये रहा हमारा बैकग्राउंड, ये वाला ले लेते हैं बैकग्राउंड हम। उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा एड वाली फ़ोटो पे आपको जाना है। उसके बाद अपनी फ़ोटो को यहाँ से रिमूव कर लेना होगा बैकग्राउंड को। तो यहाँ से फ़ोटो को रिमूव कर लेंगे। यहाँ फ़ोटो रूम एप्लीकेशन में जाके हम रिमूव पहले से किए हैं, तो यहाँ आपको यहाँ से सेट कर देना होगा। उसके बाद हम यहाँ से एड फोटो फिर से जाएंगे, गिटार वाला पीएनजी ले लेंगे। तो ये रहा हमारा गिटार वाला पीएनजी हम ले लिए हैं। यहाँ से हम इसको गिटार को हम सेट करेंगे यहाँ से। तो आप बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखना। यहाँ से हम थोड़ा इसका साइज हम एडजस्ट अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर लेंगे एडजस्ट। तो यहाँ इस तरह से करने के बाद आपको सेट करने के बाद आपको यहाँ ऊपर दिख रहा होगा इरेजर वाला ऑप्शन। इरेजर पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ अपने हाथों के ऊपर से यहाँ से हम इरेजर कर देंगे गिटार को। तो इस तरह से आप यहाँ से रिमूव कर देंगे गिटार को। तो हमारा यहाँ अब दिख रहा होगा एकदम असली। तो यहाँ इतना करने के बाद सही वाले पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा इफेक्ट वाला ऑप्शन, इसे भी क्लिक करके आपको कलर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इसे भी क्लिक करके यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं अपने टी शर्ट का। तो हम कलर चेंज कर दे रहे हैं, आपको जो अच्छा लगे वो रख सकते हैं यहाँ से। हम ये वाला कलर हम रख दे रहे हैं। तो यहाँ इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ सही वाली क्लिक करके इस फोटो को हम सेव कर लेंगे यहाँ से। तो गाइज हमारी फ़ोटो यहाँ गैलरी में आ चुकी है। इसके बाद आपको इस फोटो को एक बार HD कर लेना है। तो यहाँ HD करने के लिए आपको यहाँ शेयर वाले क्लिक करके इसे हम रेमनी ऐप में ले जाएंगे। इसे आपको बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें वीडियो को यहाँ से। तो हमारी फ़ोटो देख सकते हैं HD क्वालिटी में हो चुकी है। तो इतना हो जाने के बाद इस फोटो को हम सेव कर लेंगे। हमारी फोटो सेव हो चुकी है गैलरी में। तो फ्रेंड देख सकते हैं हमारी फ़ोटो फुल HD एकदम हो चुकी है। अब इस फोटो को हम स्मूथ कर लेंगे। तो हम चलते हैं स्केचबुक एप्लीकेशन में। तो हम आ चुके हैं स्केचबुक एप्लीकेशन में। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ ब्रश वाले पे क्लिक करके आपको ये वाला ब्रश ले लेना है। ये वाला ब्रश आपको ले लेना है। उसके बाद सेटिंग आपको रख देना होगा, साइज अपने हिसाब से कर सकते हैं। फ्लो 5 रख देना है, स्ट्रेंथ 5, साइज अपने हिसाब से कर देना। उसके बाद आपको स्मूथ कर देना है। देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया स्मूथ हमारी फ़ोटो हो रही है। तो आपको एकदम बिल्कुल आराम से स्मूथ करना है। तो हमारी फ़ोटो स्मूथ हो चुकी है। अब इस फोटो को हम सेव कर लेंगे। थोड़ा यहाँ करने के बाद स्मूथ यहाँ थोड़ा रह गया था। तो हमारी फ़ोटो एकदम स्मूथ हो चुकी है। आपको बिल्कुल आराम से स्मूथ कर देना होगा। उसके बाद आपको इस फोटो को सेव कर देना है। तो फ्रेंड हमारी फ़ोटो सेव हो चुकी है। अब इस फोटो को हम ईपिक एप्लीकेशन में ले जाएंगे। तो यहाँ ईपिक एप्लीकेशन में आने के बाद आपको यहाँ एडजस्ट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इसी पर आपको क्लिक करके उसके बाद कलर्स वाले ऑप्शन भी आना है। उसके बाद रेड वाला कलर को ले लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हम इसे पहले वाले ऑप्शन को थोड़ा सा हम प्लस कर देंगे, उसके सेचुरेशन को थोड़ा सा हम माइनस कर देंगे।
लाइटिंग थोड़ा बढ़ा देंगे, उसके बाद कलर रेंज को हम थोड़ा सा प्लस कर देंगे तो हमारा फेस कलर वाइट हो जाएगा। तो यहाँ इतने करने के बाद आप अपनी फ़ोटो को सेव कर सकते हैं और हमारी फ़ोटो एडिट हो चुकी है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो थोड़ा सा भी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।